सबैजना बाहिर आइसक्नु भएको छ र हामीसँग यति बेला चाहिँ दुईजना लिडसँग निरुता सिंहजी पनि आइपुग्नु भएको छ र कस्तो लाग्यो यहाँलाई फिल्ममा? सबभन्दा पहिला त एकदमै एकदमै प्राउड फिल भइरहेछ मलाई। नमस्कार, म गोपीकृष्ण। यतिखेर हामी फेरि पनि मुम्बईको पिभीआर हलमा छौँ र आज प्रेम गीत 3 को प्रेस सो। धेरैको जिज्ञासा छ भारतमा कस्तो होला प्रेम गीत 3 सो, कस्तो रहला भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ। आजबाट लगभग अब एक दिन मात्रै बाँकी छ, भोलि बिहानबाट थाहा हुनेछ धेरै दर्शकलाई अब प्रेम गीत 3 चलचित्र कस्तो रहला। जैसे इन दोनों को देखकर भी ऐसा लगता है कि कोई नया हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो हुनर है वो पता नहीं कितना गहरा है। तो ये तो लग रहा है जैसे फिल्म एंड हुई थी दगली चाल 2, दगली चाल 3 हिंदी में आएगी और हमारा जहाँ होर्डिंग लगा था ना वहीं इनका होर्डिंग लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका प्रेम की 3, तो मुझे लग रहा है कि इनकी वजह से मेरा भी दगली चाल 3 आ जाएगा और लोग तुम्हारा लक मुझे भी मिल जाएगा। सबैजना बाहिर आइसक्नु भएको छ र हामीसँग यति बेला चाहिँ दुईजना लिडसँग निरुता सिंहजी पनि आइपुग्नु भएको छ र कस्तो लाग्यो यहाँलाई फिल्ममा? सबभन्दा पहिला त एकदमै एकदमै प्राउड फिल भइरहेछ मलाई कि हाम्रो नेपाली फिल्म आएर आज इन्डियामा यत्रो यत्रो ठुलो स्केलमा जुन प्रकारले रिलिज भयो त्यो नै हामी सबै नेपालीको लागि सबभन्दा ठुलो प्राउडको कुरा त त्यही। यो फिल्म रिलिजको अगाडि नै जब बम्बईमा हामी यो जू सर्कलमा हामी यसरी आउने जाने गर्थ्यौँ, जू सर्कलको त्यो सर्कलमादेखि माथि हेर्ने बित्तिकै होर्डिङ बोर्डमा जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली फिल्मको प्रेम गीत 3 त्यो देख्ने बित्तिकै जुन प्रकारले छाती फुलेर आउँथ्यो नि, ओहो त्यो मेरो साथीहरू सबलाई देखो त्यो छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाली फिल्मको है भन्थेँ मैले सबै होइन। अनि जहिले पनि मुभी हेर्न आउँदा, कुनै पनि हिन्दी मुभी हेर्न इन्डियामा आएर हामी हिन्दी मुभी हेर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने ट्रेलर जहिले पनि हेर्थ्यो हिन्दी मुभीकै ट्रेलर आउँथ्यो। अब हामीले नेपालमा मुभी हेर्दाखेरि हिन्दी मुभीको ट्रेलर हेर्नु त्यो अलग्गै हुन्थ्यो, तर यहाँ आएर हामीले नेपाल हिन्दी फिल्म हेर्दाखेरि जुन चाहिँ ट्रेलर प्रेम गीतको आयो, म साथीहरूसँग आएको थिएँ हेर्नलाई होइन, म यस्तो खुसी भयो, मलाई मेरो खुसीले मेरो आँखामा पनि आँसैमा लगाएर यो हाम्रो नेपाली फिल्म हो, यो हाम्रो मेरो साथी सबजना यो यसको फिल्म हो भने क्या त्यस्तो हुँदो रहेछ कि यहाँ आएर यो ठाउँमा आएर यो हामी सम्पूर्ण नेपालीको लागि प्राउड मोमेन्ट हो। फिल्म कस्तो बन्यो कसरी चल्छ द्याट इज सेकेन्डरी, तर फिल्म बनेर यहाँ आएर यत्रो नेपाल एउटा नेपाली प्रड्युसरले यत्रो जुन चाहिँ एउटा त्यो कोसिस गर्नु त्यो नै सम्पूर्ण नेपालीको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा। र आज यो फिल्मको प्रिमियर थियो, म आएँ फिल्म हेरेपछि यति साह्रो खुसी लाग्यो, हाम्रो नेपाल कति चाहिँ ब्युटिफुल छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मुभीले देखाएको छ। अरू मुभीमा मैले प्रायः अब यहाँ बसेर म त्यति नेपाली मुभी त हेरेको तर गानाहरू हेर्थेँ, सबै गानाहरूमा नेपाली मुभी हाम्रो नेपाली कति सुन्दर छ भन्ने देखिन्थ्यो, तर यहाँ आएर जुन चाहिँ पुरा मुभी नै देखिएको छ कति चाहिँ सुन्दर छ हाम्रो नेपाल भनेर, ओहो मलाई यसो लाग्यो हामी यस्तो सुन्दर नेपालमा हाम्रो हो यो नेपाल भन्ने हामीलाई फिल हुँदो रहेछ क्या। त्यो भएर अब फिल्म मेकिङ वाइज एकदमै राम्रो, एकदमै क्लासको भएको छ र त्यसमा अब हाम्रो प्रदीप भाइले जुन काम गर्नुभएको छ त्यसको अब उयो नै छैन, हिसाब किताब नै छैन, जुन चाहिँ एउटा यति राम्रो पर्फर्म गर्नुभएको छ त्यसको लागि एकदमै राम्रो। र हाम्रो बहिनी यति राम्रो काम गरेको छ, उहाँको फर्स्ट मुभी भन्न नै नसक्ने एउटा फर्स्ट मुभीमा जुन प्रकारको पर्फर्मेन्स, त्यो क्यारेक्टरलाई सायद हाम्रो बहिनी जतिको सुट सायद अरू कसैलाई हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन, पर्फेक्ट चोइस हो यो हाम्रो। यति राम्रो त्यो स्विट अनुहार, इनोसेन्ट, त्यो पर्फर्मेन्स वाइज पनि अब फर्स्ट मुभी भन्नै नमिल्ने क्या, कति राम्रो सबै कुराको मलाई यति साह्रो सो प्राउड, एकदमै राम्रो काम गरे मेरो बाबु, एकदम खुसी लाग्यो, अब यस्तो भेरी नाइस भयो। त्यो भयो अनि हाम्रो सन्तोषजीलाई त उहाँलाई त थ्याङ्क्स भन्नै पर्छ, हामीले जुन प्रकारको उहाँले फिल्म बनाउनु भएको छ, उहाँ काम गर्नुभएको छ, उहाँको कोसिसले आज यहाँसम्म आएको छ। र शिव दाईलाई यति वर्षपछि स्क्रिनमा देख्दाखेरि यति खुसी लाग्यो, जुन क्यारेक्टर छ उहाँको एकदम सुनिल दाई
बेला सुनील थापा भयो सबजनालाई त्यो देख्दा यहाँ आएर हिन्दी बोलिरहेछ तर हाम्रो आर्टिस्टहरू अर्कै त्यो फिलिङ्स नै अर्कै हुँदो रहेछ क्या. त्यही साह्रो प्राउड मोमेन्ट हामी सबैको लागि र एकदमै खुसी छु. अति राम्रो लाग्यो. सबभन्दा पहिला त हामी भारतमा 45 वर्ष भयो मलाई महाराष्ट्रमा, महाराष्ट्रको राजनीति र यहाँको श्रमजीवीमा फर्स्ट टाइम नेपाली पिक्चर हेरेर लागेन कि नेपाली पिक्चर हो. हाम्रो बहिनीहरूले खड्काजीले हिरोहरूले यति राम्रो गरे. म खुद मार्सल आर्टको फिल्डको हो. म 86 गोल्ड मेडल लिएको. एक्सन यति राम्रो लाग्यो मलाई. अरू सिन हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले कहिले पनि डेभलप गरेको छैन टुरिज्मलाई. टुरिज्म हुनपर्छ यस्तो पिक्चरको थ्रु. अरू टुरिज्म सरकारले यसलाई फ्री गर्न पऱ्यो, नेपालमा ट्याक्स फ्री गर्न पऱ्यो. अरू जति आउँछन् हिन्दुस्तानको बाहिर जहाँ पनि छन् गभर्मेन्टले ध्यान दिनुपर्छ. अति एकदम सुन्दर छ, सबैलाई आशीर्वाद छ. पहिलो बार हामी नेपालीहरूको गर्व लाग्यो यो पिक्चर देखेर कि हामी नेपाली पनि कुछ गर्न सक्छौँ भनेर. सर टिमलाई धन्यवाद छ. जय हिन्द, जय नेपाल. एनबिएक थिए और इमोसनल भी है और हिरो हिरोइन दोनों का काम और विलन दी वे से कुछ टाइम के बाद ऐसा लग रहा है. एक्टिंग तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदी डब देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपनी हिंदी मूवी से भी अच्छा. फोटोग्राफी, सीन सीनरी, एवरीथिंग इज गुड. सॉन्ग्स वाज आल्सो गुड. आई लाइक वेरी मच. सॉन्ग भी अच्छे हैं. बहुत अच्छी लगी मूवी. आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छे लोकेशंस, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स और एक्टिंग तो फिर है ही प्रदीप खड़का जी की. दोनों की बहुत गजब है. दोनों का केमिस्ट्री भी बिल्कुल जो लास्ट में मैच की है. आपको कैसा लगा फिल्म? एकदम फिल्म में सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, लोकेशन, व्यूज एंड शूट भी काफ़ी अच्छा है. ओवरऑल फिल्म अच्छी है. अब कितने स्टार देंगे इस फिल्म को? 5 में से मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए. थैंक यू सो मच सर. आपको कैसी लगा फिल्म? बहुत प्यारी है. द लोकेशंस वेरी नाइस. बहुत अलग लेवल के इमोशंस उसमें जागृत करते हैं. हीरो की इंटेंसिटी बहुत प्यारी है और लड़की बहुत सुंदर दिख रही है. सो आई थिंक ऑल एंड ऑल इट्स अ मस्ट वॉच. जो लोकेशंस दिखाई गई है ना नेपाल की, आपको कैसा लगा? आप नेपाल जाना चाहेंगी इसके बाद? एब्सोल्युटली नेपाल जाना चाहूंगी. इनफैक्ट आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय मदर. आई सेड इतनी सुंदर जगह है, जाकर आते हैं, घूम कर आते हैं. इस फिल्म के गाने के बारे में क्या कहेंगी आप? जो गाने रखे हैं ना फिल्म में, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से दिखाया गया है. अगेन द लोकेशंस उसको बहुत सुंदर दिखाया है. लड़का और लड़की बहुत अच्छे लग रहे हैं. ओवरऑल फिल्म ही बहुत प्यारी लगी मुझे. आप मेन जो लीड है ना प्रदीप खड़का, उनके बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि नेपाल में उनका बहुत ही बड़ा फैन बेस है, वो नेपाल के बहुत बड़े सुपरस्टार है. उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी आंखों में एक ऐसी इंटेंसिटी है जिससे किसी भी लड़की को प्यार हो सकता है. तो नाउ दैट यू टोल्ड मी कि वो सुपरस्टार है, उनकी फैन बेस है, आई एम नॉट शॉक्ड और सरप्राइज्ड. एंड उनको तो आई थिंक बॉलीवुड में भी बहुत काम मिलेगा इसके बाद. सर लग रहा था हॉलीवुड फिल्म लग रही थी. सर हॉलीवुड फिल्म लग रहा है? हॉलीवुड कैसा, मतलब उसका लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा है, एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं लग रहा है नेता वाला, और उसका एक्शन भी बहुत अच्छा. वेरी नाइस, वेरी नाइस मूवी. सर आपको कैसा लगा फिर? मूवी इज वेरी नाइस, लोकेशन इज वेरी नाइस, एंड नेपाल का पहली बार ये सब देखने मिला. तो लड़का लड़की भी आर डूइंग गुड. लोकेशन एंड म्यूजिक इज ओके. जो वो म्यूजिक से आया है ना लड़का पवनदीप, गुड सॉन्ग्स. बैकग्राउंड ऑल्सो नाइस. एक्शन इज वेरी नाइस. एक्शन इज माइंड ब्लोइंग. ऐसा एक्शन मैंने बॉलीवुड में होता है वैसा है. और लड़का लड़की भी दोनों अच्छा काम किए. बट माइंड ब्लोइंग इज द लोकेशन. माई गॉड, बॉलीवुड वाले स्विट्जरलैंड जाते हैं, इधर जाओ नेपाल में जाओ. नेपाल में जाओ, देखो आप स्विट्जरलैंड यही देखते हो ना. स्नो, स्नो में काम किया इन्होंने इतना. वेरी नाइस. आई थिंक आई लाइक द मूवी. एक्शन इज ऑल्सो वेरी नाइस. स्टोरी इज ऑल्सो वेरी नाइस. प्रॉपर्टी के लिए आजकल भाई भाई से झगड़ा होता है, कोई इसमें होता है. गुड म्यूजिक एंड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो गुड एंड गुड. आई थिंक दे शुड गो ऑन. बाय. थैंक यू. थैंक यू मैडम. आपको कैसा, क्या अच्छा लगा फिल्म के बारे में? कोई फीचर्स होगा ना फिल्म का, क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा था. गाने गाने सारे के सारे गाने अच्छे थे. सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा दुख भरा था. मैं तो देखा नहीं जा रहा था. मैं अभी यही बोल रही थी कि मुझे रोने आ रहा था करके. बहुत ज़्यादा सैड, अनएक्सपेक्टेड. आई थिंक हाईलाइट सेकेंड हाफ इज वे टू गुड. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्क्रिप्ट वाइज सेकेंड हाफ और सारे गाने. प्रदीप जी और क्रिस्टीना जी की केमिस्ट्री के बारे में आप क्या कहेंगी? टू हॉट टू हैंडल. डेट तो डेट जरूर नहीं होनी चाहिए. प्लीज तभी रिलीज करना जब तुम लोग मूवी देख लोगे, वरना तुम लोग को ऑलरेडी स्पॉइलर मिल चुका है.
स्पॉइलर दे दिया मैंने। आप रोई? हाँ मैं रोई, क्योंकि सेकंड हाफ में इतना ज़्यादा, अगर तुम मूवी देखोगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रिलेटेड टू यू इमोशन था, सबसे इतना मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये क्यों हुआ, स्पेशली वो बच्चे का, बहुत ज़्यादा। एंड यू ऑब्वियसली इट वॉज वेरी सैड, आई डिडंट एक्सपेक्ट योर कैरेक्टर टू बी लाइक दैट, आई थॉट इट्स गोना बी अ नॉर्मल लव स्टोरी, क्यूट अच्छी सी लव स्टोरी होगी, बट इट वॉज वेरी सैड। अगर 5 में से कोई स्टार देना हो तो आप कितने स्टार देंगे इस फिल्म को? मूवी देखोगे तो 5 स्टार ही बोलोगे आप, डेफिनेटली 5 स्टार है। मूवी बनी हमारे नेपाल के अंदर, हमारे हिंदुस्तान में पहली बार आई है, बहुत अच्छा था, सबका काम अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छे थे, सॉन्ग अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। 5 में से कितने स्टार देंगे इस फिल्म? तो हमारे यहाँ के जो रीजनल फिल्म्स जो बनती है मराठी या गुजराती, और वो तो इनके लिए एक मैसेज है कि हाउ टू मेक अ मूवी, अ डिफरेंट मूवी कैसे बनाया जाता है ना, तो ये प्रेम गीत में ये यहाँ के बॉलीवुड के लोग सीखेंगे कि एक नए टीम ने इतना अच्छा इम्पैक्ट दिया हुआ है कि यहाँ के तो करोड़ों रुपए खर्चा करके भी ऐसी फिल्म नहीं बनती है, तो बेस्ट है। इसके कॉस्ट्यूम्स अच्छे हैं, इसके लोकेशन तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, एकदम हेवन में गए ऐसे लगता है। इसके बाद में इनके आर्ट डायरेक्टर ने भी अच्छा खासा काम किया है, कॉस्ट्यूम में है, हेयर स्टाइल अच्छी है, और सबसे बढ़िया तो ये नेपाल की जो जोड़ी है प्रदीप और क्रिस्टीना, ये तो काफ़ी क्यूट है, और इनको हमारा इंडियन पब्लिक या सभी लोग बहुत सराहेंगे, और इनके भी ब्राइट फ्यूचर है, और हम लोगों के लिए एक मैसेज है कि हाउ टू टेक एफर्ट्स एंड हाउ टू मेक अ मूवी विच शुड बी अ प्रेजेंटेबल फॉर ऑडियंस। लोग ऐसे ही पैसे देके नहीं देखने के लिए आते हैं, जब पैसे देते हैं तो इट शुड बी ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू सर। भनौँ न लगभग अब 24 घंटा में छैन, 12-15 घंटा का कुरा छ। मुंबई होस् अथवा भारत का विभिन्न सिटी होस् अथवा नेपाल होस्, थाहा हुनेछ अब दर्शक कति आतुर हुनुहुन्छ हेर्नका लागि भने, तपाईलाई आज कस्तो लागिरहेको छ? आज यो फिलिङ त म अब के वर्ड्समा उतार्न सकिरहेको छैन, इट्स लाइक हुन्छ नि एक्साइटमेन्ट पनि छ, नर्भस पनि छ, बटरफ्लाइज हुन्छ नि, टेन्सन पनि छ कि हुने हो भोलि, आज अब भोलिको बिहानदेखि त अब अर्कै के भन्ने अर्कै दिन सुरु हुन्छ, रिलिजको डेट छ होइन, भेरी भेरी हुन्छ नि यो फिलिङलाई चाहिँ मैले वर्ड्समै उतार्न सकिनँ। ओके, हामीले 2 दिन अगाडि स्पेसल सो पनि हेरिसकेका छौँ होइन, अहिले अब बुकिङको कुराकानी गर्ने हो भने लगभग सबैतिर हाउसफुलका स्क्रिनसटहरू हालिरहनु भएको छ सबैले होइन, चाहे भारतका सिटीहरू होस्, चाहे अरू ठाउँमा होस्, चाहे नेपालकै होस्। यो बुकिङ अहिले नै यति धेरै आक्रामक देखिरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ यो आक्रामकले? म के भनौँ, अब यति धेरै माया हुन्छ नि, सोचेकै थिइनँ कि मैले यस्तो विधि पनि हुँदो रहेछ भनेर, किनभने नेपाली फिल्मको एउटा हिस्ट्रीमै अहिलेसम्म सायद यति चाँडो बुकिङ यसरी हाउसफुल भएको छैन होला कि, दिस इज द फर्स्ट टाइम होइन, अनि के भन्नु अब मेरो फर्स्ट फिल्म है, यति धेरै माया, यति धेरै सपोर्ट जो फिल्मको अगाडि नै देखिरहेको छु, म त अब केही वर्ड्समा मैले भन्न सक्ने स्थिति नै छैन कि, अहिले म केही भन्न सक्दिनँ, खालि भोलि अझ हाउसफुल छ, हजुरहरूको माया र साथको अझै पनि अपेक्षा राखेकी छु, महिना 2 महिनासम्म हजुरहरू हलमा गएर हेरिदिनु होला। हिन्दी फिल्म चाहिँ फेरि 3 डेज लेट आउँदैछ है, अहिले नेपाली मात्रै रिलिज हुन गइरहेको छ नेपालमा चाहिँ, हिन्दी चाहिँ आफ्टर 3 डेज मेबी मन्डे आउँदैछ, सो नेपाली पछि हिन्दीलाई पनि टर्न दिउँ। ओके, पहिला नेपाली हेर्नुपर्नेछ, त्यसपछि अनि फेरि 3 दिन पछाडि गएर हिन्दी हेर्नुपर्नेछ यदि नेपालका दर्शकले, फेरि 2 घन्टा हिन्दी चाहिँ 2 घन्टाको छ र 2 घन्टा 10 मिनट चाहिँ नेपाली भएको कारणले दुवै हेर्नुपर्नेछ। खास तपाईँलाई फेरि पनि शुभकामना, धेरै धेरै बधाई पनि छ होइन, पहिलो फिल्ममै यति यति राम्रो वाह वाह पाउनु भएको छ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।